आज भाई गाड़ी में सीट कवर लग रहे हैं, चेयर बैग वाली है, ZXI प्लस वेरिएंट अभी लिया 10 जुलाई को, आज हो रही है 28 अगस्त, तो अब सीट कवर इसमें लगवाते हैं। दिखाइए प्रिंट। अच्छा इसमें कलर ऑप्शन है और एक ही डिजाइन है, एक ही कलर, और जो नीचे वाला मॉडल है जैसे ZXI VXI LXI उनमें सब में सेम है। हाँ ब्रेजा नॉर्मल पियो, कर लो आप काम करो, रेट है नहीं उस पर, MRP होगी ना वैसे उस पर। मैं वो दिखा रहा हूँ एक साइड, ये ड्राइवर साइड का देखो, जैसे चेयर बैग की कोई भी है ना तो ये कटा हुआ आएगा थोड़ा, मेरे ख्याल से पता नहीं ये साइड, हाँ ये साइड आगे होनी चाहिए, ये थोड़ी सी आगे रहेगी और ये ऐसा डिज़ाइन है, थोड़ा नज़दीक से देखो। देखो चेयर बैग वाली है ना उसका मैं तो यही सजेस्ट करूँगा शोरूम से लगवा लेना, कल को मान लो 1% आपने बाहर से लगवा लिया और एयरबैग नहीं खुले, जैसे SRS एयरबैग यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है नहीं खुले, आपकी वारंटी भी लैप्स हो सकती है, इंश्योरेंस जो आप क्लेम लोगे पॉलिसी ख़राब वो सब हो सकता है, लैप्स हो सकता है, तो रिस्क मतलब ये इनकी प्राइस लगभग 9000 है, बाकी मैं जो है बिल वो दिखा दूंगा एक बार, लेकिन ऐसा कुछ लगने वाला है, और इसीलिए यही करके मैंने बाहर नहीं लगवाया कि रिस्क है, 6 एयरबैग वाली है, 2 एयरबैग वाली होती तो जो मर्जी जहाँ से लगवा लो, बाकी फिटमेंट देखो जो शोरूम से होते हैं ना उसकी होड़ तो कोई नहीं कर सकता, मैंने खुद में अपनी में लगवा रखे तो उसकी फिटिंग बहुत ज़बरदस्त है। कितना टाइम लग जाएगा भैया लगाने में वैसे? कितना? 20 मिनट। ठीक है, कट वट पहले ही होके आए वैसे, ये चीज़ है पहले नहीं आते थे, ये अब होकर आते हैं पहले से, ये चीज़ अच्छी है, ये उस साइड का होगा, लगा भी दिया नीचे का तो फिटिंग। चलो ये ना दो जगह से टाइट हो गए, एक तो ऊपर से हो जाएगा फिर सीट के ना नीचे से टाइट होते हैं इसमें, ये जो चीज़ है ये, इसमें कोई कटिंग का सीन नहीं है, कोई सिलाई नहीं, कोई पिन जैसे वो मारते ना धागे सीट के आर पार निकाल देते करोल बाग में, वो सब नहीं है, जिप है अगर होगी तो, ये देखो जैसे ये जिप ही होगी और नीचे ये टाइट हो जाएंगे सीट के, कोई सीट को नहीं काटते, कुछ हाथ नहीं लगाते, इनके टूल भी बड़े बेसिक से ही है, मतलब उसकी ज़रूरत ही नहीं है कि हैवी टूल्स वगैरह ये लेकर आए। और हाँ ये पीछे गए, एक सेट ब्लैक बीम क्रिस्प स्लीव वार जेड प्लस होगा कुछ पार्ट नेम, ब्लैक एंड ब्राउन कलर है, पता नहीं यहाँ पे है कि नहीं और ऑप्शन। कवर आने में ना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि जैसे 10 जुलाई को लिया, आज 28 अगस्त से थोड़ा बहुत टाइम हो गया और कवर आने में थोड़ा टाइम लगा, गाड़ी एक तो नई लॉन्च थी प्लस चेयर बैग वाले थे तो आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, एक वीक पहले आ गए थे हालांकि, और मैं आकर नहीं लगवा पाया तो आज लगवा रहे हैं संडे को। देखो लेफ्ट साइड का फिट हो गया, सिलवटें कुछ नहीं है, फिटिंग अच्छी है और साइड से ऐसी है, ठीक है यहाँ तक सिलाई और नीचे जाके टाइट हो गया। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ना सिर्फ आपके बैक सपोर्ट में, साइड सपोर्ट में कवर नहीं है तो ये थोड़े गंदे होंगे, तो इनकी टाइम टू टाइम ड्राई क्लीनिंग ही हो सकती है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये यहाँ मतलब एयरबैग यहाँ से खुलेंगे, सिलाई खुलेगी क्या है इसके अंदर से निकलेंगे, तो ये उसको रोके ना इसलिए यहीं तक दिया है, वैसे तो पता नहीं अब ऐसे ही आते हैं क्योंकि इसके तो हाफ हैं, तो साइड से ना सीट गंदी हो सकती है, हालांकि सीट ज़्यादा गंदी या तो आपके हेड रेस्टेंट होते हैं वही होते हैं या फिर ये चीज़ होती है तो ये शायद थोड़े कम गंदे होंगे, लेकिन हाँ एक हेडेक पड़ गई कि इनकी ड्राई क्लीनिंग आपको ज़रूरी जो है अगर टाइम टू टाइम अगर करवानी है तो पड़ेगी। देखो ना हुक निकाल दिया वहाँ से, आप लगे हैं सीट पर, फिटिंग तो अच्छी है पीछे से भी अच्छी, आगे के तो हो गए पीछे की बारी, इसमें ज़्यादा मेहनत है नहीं। वैसे एक चीज़ सरप्राइज है कि जो ZXI प्लस के अलावा जितने वेरिएंट है ना उनके सीट कवर की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब है 500-700 रुपए का फ़र्क है, ये लगभग 8900 का है, बाकी बिल मिलेगा तो बताऊँगा। वजह ये है कि इसमें ना मटेरियल कम यूज़ हुआ है, ये यहाँ से कटा हुआ है और उनमें मटेरियल थोड़ा एक्स्ट्रा लगा है क्योंकि वो 2 एयरबैग वाली हैं तो उनका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। सही है आर्मरेस्ट का अलग से, तुम बता दे क्या करना।
बिना कोई सिलाई ना कोई पिन मारी, इतनी टाइट फिटिंग है ना इसकी, बहुत ही बढ़िया। मतलब खींच खींच के नीचे करना पड़ा है। ये इसका कटर है, ये शायद यहाँ बंद होने का है, ये निकालना पड़ेगा कटर से। अब बैटरी स्टैंड की बारी, देखो बाकी पूरा फिट हो गया। मैं प्रॉपर रिव्यू ना दे दूंगा यहाँ से निकलने के बाद, थोड़ा शोर शराबा भी यहाँ पर, तो यहाँ से निकलने के बाद प्रॉपर। बाकी वैसे फिटिंग देख लो बस थोड़ी बहुत। जिप वाला ही सिस्टम है पूरा। पहली ब्रेजा में ठीक थे ना, हेड रेस्ट स्टैंड छोटे थे इस साइज के ही, चारों बराबर हैं। अब वाली माँ के बलेनो के साइज के हैं। डन। देखो कवर के साथ ये सारी चीज़ भी है, मान लो किसी को किसी तरीके से लगाना हो, ये धागे हैं साथ में, ये वो पिन जो करोल बाग वाले लगाते हैं ना वही चीज़ है, लेकिन उनके बगैर ही हो जाता काम। तो ये अब फालतू वेस्टेज है, पड़े रहने गाड़ी में। देखो सीट कवर अब लग चुके हैं, मैं घर आ गया हूँ। अब मैं फाइनल एक रिव्यू दे देता हूँ कि मुझे कैसे लगेगा सीट कवर। नंबर वन चीज़ देखो, सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर इन सीट कवर को दूंगा तो फिटिंग को लेकर दूंगा, कहीं भी कोई फिटिंग इश्यूज़ नहीं है। हालांकि ये जो चीज़ यहाँ से गायब है वो अब एक अलग चीज़ है कि उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। उसकी वजह से जो दिक्कतें हुई हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले फ़िटिंग देख लो, कहीं कोई सिलवटें नहीं है कि साइड से है, जैसे आमतौर पर बाहर जो सिलवाते हैं उनमें रहता है, यहाँ कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। और यहाँ ये हल्की सी कुशनिंग टाइप का काम करती है, लेकिन सिलवटें अगर आप बात करोगे तो वो चीज़ नहीं है। सिलाई हर चीज़ अच्छी है, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि कोई धागा निकला हुआ। चलो थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूँ, अरे नाम लिया और एक धागा निकल गया। तो यहाँ पे इसके ये जो है जिपर बंद है, यहाँ पर है और यहाँ नहीं है, तो ये वाला हम काट देंगे धागा, नोट वीडियो। अब ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक है जैसे मैंने बताया अभी था, तो वही हल्का सा निगेटिव है कि ये चीज़ ज़्यादा गंदी हो सकती है, तो इसको टाइम टू टाइम हमें क्लीन करा। टाइम टू टाइम क्या है, साल दो साल में करा लो, तीन साल में करा लो, इतनी जल्दी गंदे नहीं होंगे। अगर आप मान लो विंडोज़ सारे बंद करके अगर गाड़ी चलाते हो तो ये समस्या आपको ज़्यादा नहीं आने वाली है। अब मैं बात करता हूँ पीछे के बारे में कि पीछे की फिटिंग कैसी है, जो कि नेगेटिव मैं बताने वाला हूँ पीछे जाकर। ठीक है, नीचे मत देखना गंदगी है। अब यहाँ देख लो, हेड रेस्ट देख लो, कहीं कोई फिटिंग इश्यूज़ नहीं है। हल्का सा ये है कि अभी ये बोला कि मुझे ये नहीं पता ये किस चीज़ के हुक हैं, ये क्यों है, मतलब क्या ज़रूरत थी, यहाँ पे कुछ है भी नहीं, फिर भी यहाँ पे कट हैं, कंपनी ने दिए हैं क्या सोच के। और ये जो फिटिंग है ये थोड़े दिन में बोले जब बैठोगे इस पर तो हो जाएगी, लेकिन बीच में पाँच लोग बहुत कम ट्रैवल करते हैं यार गाड़ी में, अब बैठने से क्या ही होगा। ठीक है चलो, ये ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, कोई बैठा रहेगा तो हो जाएगा ठीक। और रही बात इस साइड की, ये भी हो जाएगा। और यहाँ कोई फिटिंग इशूज़ नहीं है, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ भी सिलाई निकली हुई है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब दिक्कत ये है अगर इस साइड से कटा है तो ना, इसमें यहाँ पे पॉकेट भी नहीं है। अब हमें अगर पॉकेट मान लो कुछ सामान रखना है तो यहीं पे रख सकते हो, कवर के अंदर नहीं है, जो कि पहले वाले कवर जो हमारे थे ब्रेजा के उसमें हुआ करते थे। अब ये नहीं पता कि ZXI VXI LXI में पॉकेट है कि नहीं, दैट आई एम नॉट श्योर, लेकिन यहाँ यहाँ पर है। ओ यस, अच्छा ये सीट है और ये ऑलरेडी कवर है क्या? नहीं ये कवर नहीं है, ये सीट का ही जिपर है और ये है अपना कवर, तो इसमें पॉकेट नहीं है। एक छोटा सा जो है डाउन साइड मुझे यहाँ पे लगी कि पॉकेट आपके पास एक्सेसिबल नहीं है। ये जो हुक है ये यहाँ से निकल गया, ये भी ठीक है और ये कुछ नहीं है। सो ऐसा कुछ है। टोटल कॉस्ट मैं बता देता हूँ, 8690 MRP है। और रही बात बाकी के तीन मॉडल्स की, तो लगभग 9200 है, 9400 ऐसा कुछ है, मतलब 500-700 रुपये वो ज़्यादा ही पड़ते हैं, क्योंकि मटेरियल ज़्यादा यूज़ उनमें हुआ है जो मैं बता भी चुका हूँ। ऐसा कुछ था, हाँ यहाँ पे एक हुक था, सीट बेल्ट अगर आप लगाते हो तो यहाँ पे एक टक कर सकते हो, वो चीज़ अब इसके अंदर रह चुकी है तो वो आप बाहर नहीं निकाल सकते। ब्लैक प्लस ब्राउन का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये जो ब्राउन है ये आपके डैशबोर्ड के साथ मैच करता है, वो वाले पार्ट के साथ। और ये चीज़ अच्छी रही कि कहीं कोई धागे नहीं निकाले, मतलब उस जो सीट के आर पार करोल बाग में निकलते वो चीज़ नहीं है। हाँ अब ये चीज़ है कि ये थोड़ा सा गैप रह गया, क्योंकि अब ये इसको पकड़ने के लिए यहाँ पे होल्ड करने के लिए मटेरियल नहीं है, तो ये थोड़ा सा लूज़ रहेगा। तो लेकिन अब क्या ही करें, एयरबैग वाली है, सीट में से निकलेंगे तो इतना तो हमें अब सहन करना ही पड़ेगा, सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये खाली हल्का सा फोम है इसके अंदर, यहाँ पर ये हल्का सा फोम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ज़्यादा कुछ नहीं था बताने लायक, मैं बता भी नहीं रहा हूँ।
तो अगर आपको अपनी गाड़ी के लगवाने हैं तो शोरूम से लगवाना, अगर 6 एयरबैग वाली है दैट आई सजेस्ट। फिटिंग मुझे ऐसा लगता है कि शोरूम वालों की ही बेस्ट मिलेगी, अगर बाहर से लगवाओगे तो बेस्ट मिलेगी तो वो फिर बहुत महंगे पड़ जाएंगे, कम से कम 10-12 हज़ार के तो पड़ेंगे अगर बहुत अच्छी फिटिंग के लिए जाओगे। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनके पास ब्रेजा ZXi+ 2022 वाली ऐसे कवर चाहिए, मतलब कहीं से भी ले लेना, वो बस ये वीडियो देख लेंगे। थैंक यू सो मच, एंड यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। थैंक यू।